हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू गुरुवरी चैनल। आज की वीडियो में गाइज हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टेड फोटो एडिटिंग करना है एंड आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशली हो सकता है अगर आप लोग वीडियो कंप्लीट देखोगे तो, क्योंकि गाइज आज की वीडियो में ना बहुत सारे मैं बोनस ट्रिक रखा हूँ एंड इस वीडियो में गाइज आप लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग मतलब कैसे कर सकते हो चमकता धमकता, जिससे आप लोग इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करते हो अपना भी तो आपके भी धड़ाधड़ लाइक्स आएंगे, कॉमेंट्स आएंगे कि भाई वंडरफुल ऑसम। तो आप लोगों को बस वीडियो कम्प्लीट देखना अगर आप लोग इस टाइप की एडिटिंग करना चाहते हैं। तो बस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद से गाइस मुझे अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कराया तो बिना बोले कर लिया करो यार। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को जो है बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। एंड गाइस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि आज का जो वीडियो है सिर्फ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ही हम एडिटिंग करने वाले हैं, अदर कोई सा एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करेंगे। ओके तो गाइस ऐड फोटो में आने के बाद आपको एक हेयर पीएनजी ऐड कर लेना है एंड अपने मॉडल का पीएनजी ऐड कर लेना है। गाइज मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड तो पहले से इरेज कर रखा था। आप लोगों को अगर बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो यार बहुत सारी वीडियो में बता रखा हूँ, चैनल पेज पे जाके देख लेना, क्योंकि यार बहुत सारे भाई लोगों को तो यार बैकग्राउंड इरेज करना आता ही है। तो गाइज सिंपली आप लोगों को जो है अपने बैकग्राउंड के ऊपर अपने फोटो को लगा लेना है। हमारा फोटो देख सकते हो कितना भद्दा सा लग रहा है, तो गाइज इसी फोटो को हम चमकता धमकता बनाने वाले हैं। तो हम हेयर पीएनजी को भी टाइप से आपको सेट कर लेना है आप लोगों को। एंड सेट करने के बाद आपको इरेजर में आना है, इरेजर का हार्डनेस आपको पूरा जीरो करना है, साइज सेट करना है एंड इस तरीके से आपको नीचे से हल्का हल्का इरेज कर देना है। एंड यहाँ पे सिंपल हम डन कर लेते हैं। डन करने के बाद आपको फोटो पे क्लिक करना है अपने मॉडल पे मतलब, एंड क्लिक करने के बाद आपको सीधा चलना है इफेक्ट टूल में। एंड इफेक्ट टूल में आने के बाद आपको चलना है यहाँ पर HDR वाले ऑप्शन पे। HDR वाले ऑप्शन पे आने के बाद आप लोगों जो है यहाँ पर आपको सबसे पहले फेड कम करना है, सैचुरेशन को बढ़ा लेना है एंड यहाँ पर हम ब्लर को थोड़ा सा कम करेंगे। ओके अब सिंपल हमें चलना है इरेजर में। एंड इरेजर में आने के बाद आपको इरेजर ले के रख लेना है एंड हम साइज सेट करके इस तरीके से अपने फेस के ऊपर से मतलब पूरे स्किन के ऊपर से और हेयर्स के ऊपर से हमें इस इफेक्ट को इरेज कर लेना है। इस इफेक्ट को गाइज हम सिंपल जो है अपने सिर्फ कपड़ों पे रखेंगे, क्योंकि हमें भाई अपने कपड़ों के ऊपर चमक चाहिए। और गाइज आप लोगों ने यार एक जने ने मुझसे किसी ने कमेंट करा था कि भाई चमक कैसे डाल सकते हैं कपड़े में, तो ये देख लो गाइज आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप से आप अपने कपड़े में चमक डाल सकते हो। अगर आपने सनग्लासेस पहन रखा है तो सनग्लासेस पे भी ये इफेक्ट डालोगे तो आपका जो है चमक आ जाएगा HDR से। ओके अब सिंपल यहाँ से करते हैं डन। डन करने के बाद यहाँ से भी हम राइट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो हमारा फोटो जो है अभी बनना तो नहीं है बट हमारे कपड़े में अच्छा खासा चमक आ चुका है। ओके अब यहाँ पे हमें करना है अपने फेस को ठीक ठाक रिटचिंग। तो फेस को हमें कैसे रिटच करना है, सबसे पहले गाइस हमारे फेस पे देख सकते हो बहुत सारे पिंपल्स दाग धब्बे निशान वगैरह दिख रहे हैं, तो उनको हमें रिमूव करना है। इसके लिए गाइस यहाँ पर पिक्सआर्ट में दो ऑप्शन है, एक रिमूव टूल है एंड एक क्लोन टूल है। तो मैं यहाँ पे क्लोन जो टूल है मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लोन बना बना के यहाँ पे जो है मैं अपने दाग धब्बे को यहाँ पे रिमूव करूँगा। और गाइज अगर आप लोगों के पास मतलब रिमूव टूल का भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए गाइज आप लोगों को जो है अपना नेट ऑन करना पड़ता है, फिर आप रिमूव टूल यूज़ कर सकते हो। ओके अब हमारा देख सकते हो फेस पे हमारा जो थोड़ा बहुत दाग धब्बा था वो रिमूव हो चुका है बड़े बड़े, एंड बाकी हम अपने करेंगे अपने अब फेस को स्मूथ। तो फेस को स्मूथ करने के लिए आपको आना है इफेक्ट टूल में एंड आपको यहाँ पे आना है ब्लर टूल में। और गाइज यहाँ पे आपको नॉर्मल जो है ब्लर वो सिलेक्ट नहीं करना है, सेकेंड नंबर पे जो है लेंस ब्लर आपको उसे यूज़ करना है। ओके फेस स्मूथ करने के लिए बता रहा हूँ गाइस प्रॉपर तरीका एकदम में, ठीक है कैसे स्मूथ होता है। तो आपको लेंस ब्लर यूज़ करना है, ब्लर को बढ़ाना है, लाइटिंग को कम करना है एंड आपको आना है इरेजर टूल में। इसको सबसे पहले आपको इन्वर्ट कर देना है एंड आ जाना है ब्रश वाले ऑप्शन पे एंड ब्रश का आपको हार्डनेस पूरा जीरो कर देना है, साइज यहाँ पर हम रखेंगे इतना। अब फोटो का हमें करना है जूम एंड अब देखोगे हमारा फेस भाई एकदम प्रॉपर तरीके से स्मूथ हो रहा है, बिल्कुल फोटोशॉप की तरह।
है ना गाइस, कमाल का ट्रिक। तो गाइस ये ट्रिक आप लोग जरूर यूज़ करा करें फेस स्मूथ करने के लिए। अगर आप लोग गाइस यही चीज़ ऑटोडेस्क में करते हो तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ जाता है, राउंड एंड ये वो फलाना ठिकाना देखना पड़ जाता है। तो इस टाइप से आप लोग जो है फेस को अपने आसानी से स्मूथ कर सकते हो। और हाँ गाइस, याद रहे ब्लर का ज़्यादा यूज़ मत करना और अपने फ़ोटो के मुताबिक करना, तभी आपका फेस जो है प्रॉपर तरीके से स्मूथ होगा, जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और भैया अभी तक आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक कर देना, और अगर अभी लाइक करने का मन नहीं कर रहा तो बस वीडियो देखते रहो, बाद में आप लोगों का मन कर जाएगा यार लाइक करने का। और मैं आप लोगों को बता दूं यार, आज की वीडियो में यार बोनस ट्रिक बहुत सारे हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वो जो है बोनस ट्रिक आप लोगों को आगे पता चलता रहेगा। एंड हमारा देखो तो फेस बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो रहा है अब हमारा। अच्छे से आपको जूम कर करके हर एक जगह को स्मूथ कर लेना है। और गाइस याद रहे आपको सिर्फ अपने फेस को ही स्मूथ नहीं करना, जो फेस के नीचे का नेक होता है उसे भी आपको स्मूथ करना है, नहीं तो आपका भाई फेस अलग दिखेगा एंड नेक अलग दिखेगा, तो भाई पता चल जाएगा आपके फोटो में भाई फेस स्मूथ करा है, एडिटिंग करा है ना। तो इस तरीके से आपको नॉर्मली स्मूथ कर लेना है। अब देख सकते हो हमारा प्रॉपर लग रहा है भाई, एकदम फोटोशॉप की तरह स्मूथ हो चुका है ना। तो अब सिंपल ऐसे करते हैं डन, एंड यहाँ से भी करते हैं डन। अब डन करने के बाद हमारी बारी है फेस को मतलब एक चमकता धमकता बनाना। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको ड्रो टूल में चलना है, एंड यही गाइस आज की वीडियो में हमारा बोनस ट्रिक है सबसे पहला, कि हमारे फेस पे आप लोग पूछते हो कि भाई वो टोन कहाँ से आता है जो भाई आरडी फोटो एडिटिंग सॉफ्ट डेविल लेके आता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको एक एम्प्टी लेयर ले लेना है सबसे पहले, आपको पहले से ही रहता है एम्प्टी लेयर यहाँ पे, तो आपको एम्प्टी लेयर को करना है कि यहाँ पे गाइस नॉर्मली इसका ब्लेंडिंग मोड जो है आपको स्क्रीन पे कर देना है। स्क्रीन पे करने के बाद आपको कलर में आना है, एंड कलर आपको ये वाला सिलेक्ट करना है जो हल्का ऑरेंज है, एंड इसकी सेटिंग में आना है आपको ऑरेंज कलर का थोड़ा सा फीका टोन कर देना है हल्का सा, एंड सिंपल ऐसे करना है डन। अब देख सकते हो थोड़ा सा हमारा मतलब स्क्रीन से मिलता जुलता कलर है, एंड यहाँ पे आपको ये ब्रश रखना है, याद रहे आपको हार्डनेस 0 रखना है इसका, एंड सेट कर लेना है। साइज तो आप अपने हिसाब से सेट करना, एंड फिर कुछ इस तरीके से आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करोगे ना तो आपका फेस देखोगे भाई गजब टाइप का, मतलब जो आता है फेस में फोटोशॉप वाली एडिटिंग और आप लोग देखते हो आरडी देवो में, तो उस टाइप की आपको मतलब फेस रिटचिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको पूरा फेस पे आपको पूरे मतलब स्किन पे आपको फिलअप कर लेना है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब गाइस मैंने यहाँ पे फेस को पूरा मतलब फिलअप कर लिया है, तो बिल्कुल ही मतलब बेकार सा लग रहा है हमारा फेस, तो इसको टेंशन मत लो हम ठीक करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको इरेजर लेना है, इरेजर का हम ऑपोसिटी इतना रखेंगे, साइज सेट कर लेना है आपको अपने हिसाब से, एंड फिर हमें लिप्स के ऊपर से ये जो कलर है इसे हमें इरेज करना है। टेंशन मत लो, बहुत ही भद्दा सा लग रहा है मुझे भी पता है, एंड अब हम ऑपोसिटी और कम करते हैं, एंड साइड साइड से इस तरीके से इरेज कर देंगे। गाइज अगर आप लोग बोर हो रहे होगे ना तो यार मतलब प्लीज़ वीडियो को फास्ट करके देख लेना, बट वीडियो को जो है छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक जगह को आपको इरेज करना है जहाँ पे भी आपके फोटो में डार्कन पार्ट है। एंड हम थोड़े यहाँ पे अपने कान के पास से भी इरेज कर लेते हैं हल्का हल्का, एंड अब हमारा देख सकते हो फोटो तैयार हो गया। अभी भाई तैयार नहीं हुआ है, अभी मैं आपको बता दूँ करना क्या है, बहुत ही बेकार लग रहा है। तो चलना है आपको लेयर वाले ऑप्शन पे, एंड इसका ओपेसिटी का ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, तो ओपेसिटी आप कम करोगे तो देखोगे हमारा फोटो, पूरा मत कम करना नहीं तो ऐसा हो जाएगा पहले जैसा,
आपको इतना ले जाना है एंड देखना है आपका फेस मतलब कहाँ पे शूट कर रहा है, आपका कलर जो है कहाँ से मतलब मैच हो जा रहा है आपके फेस से, है ना। उतने पे आप लोगों को ओपेसिटी देखना है एंड मेरा यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है तो मैंने यहाँ पे रख लिया। अब देख सकते हो हमारा फेस बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम करेंगे क्या, एक और एम्प्टी लेयर बनाएंगे एंड इसका हमें ब्लेंडिंग मोड ओवरले पे कर देना है। ओवरले पे करने के बाद आपको नॉर्मली फिर से आपको कलर वाले ऑप्शन में आना है एंड इस बार हमें सिलेक्ट करना है रेड कलर। रेड नहीं तो मतलब वही कलर रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हम, क्योंकि ये समझ लो जो भी आपको सनग्लासेस में कलर चाहिए वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सनग्लासेस में देख सकते हो येलो कलर रख रहा हूँ एंड बहुत ही मतलब ऑसम टाइप का कलर लग रहा है एंड इस टाइप से आपको कलर जो है फिलअप करना है आराम आराम से, बिल्कुल टाइम देके गाइस करना है। जितना आप लोग टाइम दोगे अपने फोटो एडिटिंग में उतना आपका जो फोटो है बहुत ही अच्छा सा बन के निकलेगा। एंड हमारा देख सो तो भाई मतलब यार सनग्लासेस हमारा लग ही नहीं रहा हमने कलर करा एंड बहुत ही ऑसम सा लुक मिल गया हमारे एक सनग्लासेस के अंदर। अब इसका भी हम ओपेसिटी चाहे तो यहाँ से कम रख सकते हैं अगर ज़्यादा लगे तो, एंड हमारा यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है। ओके अब हम नॉर्मली हम इनको कर देंगे मर्ज एंड मर्ज करने के बाद एक और गाइस हमें क्रिएट करना है एम्प्टी लेयर, क्योंकि मर्ज इसलिए मैंने करा क्योंकि थोड़ा फ़ोन हैंग कर रहा था, फ़ोन में इतना करने में हैंग हो जाता है तो थोड़ा बहुत आपको भी एडजस्ट करके करना है, ठीक है। तो हमने मर्ज करा है, मर्ज करने के बाद एक और एम्प्टी लेयर लिया। फिर गाइस इस बार हमें सेलेक्ट करना है पिंक कलर एंड इस बार हमें ब्लेंडिंग मोड जो रखना है गाइस ओवरले पे इस ठीक है एम्प्टी लेयर का, एंड फिर हमें इस बार इस तरीके से अपने लिप्स के ऊपर जो है इस कलर को अप्लाई करना है एंड हमारा लिप्स देखोगे बहुत ही मतलब ऑसम टाइप का दिखेगा। एंड गाइस आप लोगों का जो ये कलर है एक्स्ट्रा बाहर निकल जाए तो आप लोग उसको इरेज भी कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं पहले ओपेसिटी इसका कम करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे परफेक्ट लग रहा है एंड यहाँ पर बहुत ही ऑसम लग रहा है अब। ओके हमारा जो अब एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकल गया था हम उसे इरेज कर लेते हैं पहले इरेजर की मदद से। अब हम सिंपल यहाँ से कर लेते हैं डन। अब गाइस देख सकते हो हमारा फेस मतलब एक अच्छा खासा रिटचिंग हो चुका है फेस के अंदर, बहुत ही परफेक्ट लग रहा है अब हमारा। अब जो है फाइनल हम रिटचिंग करेंगे अपने फोटो के अंदर, कैसे करते हैं तो सबसे पहले आपको टूल्स में आना है, एडजस्ट टूल में आना है। एडजस्टमेंट में आने के बाद आपको सबसे पहले ब्राइटनेस को बढ़ाना है, क्लियरिटी को हम बढ़ाएंगे, फिर हमें एंड यहाँ पर सैचुरेशन को भी बढ़ाना है, फिर ह्यू देखेंगे हमारा कहाँ पे परफेक्ट लगता है। गाइज ये चीज़ हम अपने फेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो फेस पे देखना ह्यू कैसा अच्छा लग रहा है, किस टाइप में अच्छा लग रहा है। एंड हम टेम्परेचर को प्लस करेंगे क्योंकि हमारे फेस में हल्का सा येलो टोन भी चाहिए। एंड इतना करने के बाद आपको चलना है आपको इरेजर में। इरेज़ में आने के बाद आपको इसे पूरे फोटो से इन्वर्ट कर देना है, पूरे फोटो से ये इफेक्ट इरेज हो जाएगा इन्वर्ट करते के साथ ही। एंड आपको ब्रश लेना है, हार्डनेस 0 रख के इस तरीके से अपने फेस पे इसको अप्लाई कर देना है, है ना गाइस। बिल्कुल बहुत ही कमाल का ट्रिक है ये, बहुत अगर आप लोग यूज़ करते हो सिर्फ एक एप्लीकेशन का अपने फोटो को एडिट करने में तो इससे आपका 2-3 बहुत सारे मतलब फ़ायदे होंगे। पहली बात आपका फ़ोटो का इससे क्वालिटी लॉस नहीं जाएगा एंड आप लोगों की फ़ोटो मतलब एक ही एप्लीकेशन में एडिट करोगे और ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके फ़ोन में, तो आप लोग भी इसी टाइप से कर सकते हो। ओके तो गाइस हम डन करके दोबारा से आ चुके हैं एडजस्ट टूल में एंड इस बार हमने ह्यू को थोड़ा सा माइनस करा है। इस बार गाइस हम अपने कपड़े के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो कपड़े के लिए आपको भी अपनी टाइप से ही एडजस्टमेंट करना है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने अपने किस टाइप का मतलब कपड़ा पहना है, किस कलर का कपड़ा पहना है। ओके तो इसी टाइप से हम जो है इन्वर्ट करके आपको फिर ब्रश लेना है एंड हार्डनेस 0 रख के इस बार हमें अपने कपड़ों पे ये इफेक्ट अप्लाई करना है। गाइस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको बस अपने बैकग्राउंड से आपको फ़ोटो को मैच करना है। तो हमने देख सकते गाइस जब बैकग्राउंड में हमारा कलर है हमने वही कपड़ों पर भी कलर अप्लाई कर रहे हैं। ओके तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको।
एंड गाइस अब हम कर लेते हैं सिंपल, यहाँ से थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, अब डन कर देते हैं। ओके अब देख सकते हो हमारा कपड़ा भी भाई बहुत ही ऑसम सा लग रहा है, बिल्कुल मतलब अच्छा सा लग रहा है। ओके अब नॉर्मली गाइस हमें जो है थोड़ा सा फाइनल रिटचिंग देना है अपने फ़ोटो में, तो हम सबसे पहले अपने फ़ोटो में जो है डिटेल दे देते हैं, पहले क्लियरिटी को बढ़ाएंगे एंड शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हाईलाइट को कम करेंगे एंड सिंपल डन कर देती है, हमारे फ़ोटो में डिटेल आ गया। अब हम फाइनल फिनिशिंग देंगे कर्व टूल से। ओके कर्व टूल में आना है आपको, कर्व टूल में गाइस यहाँ पे बहुत सारे आपको मतलब तीन कलर मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको रेड कलर को लेना है, रेड कलर का हम हाईलाइट यहाँ पे बढ़ाएंगे, लाइट को थोड़ा सा कम करेंगे। गाइस देखो यहाँ पे जो राइट में फर्स्ट आता है ना वो हमारा हाईलाइट होता है, सेकेंड नंबर पर जो आता है राइट से वो होता है लाइट, एंड थर्ड नंबर पे जो आता है वो होता है डार्कनेस होता है, एंड फोर्थ नंबर पे जो आता है वो हमारा होता है शेडो। ओके तो ये चीज़ का आपको ध्यान दे के आपको एडजस्टमेंट करना है सारे कलर का, तो मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फाइनली बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, और गाइस यही था आज की हमारी वीडियो में एडिटिंग, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आया होगा, पसंद आया ना तो यार वीडियो को बस लाइक कर देना, एंड आप लोगों को अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आप लोगों को मैसेज का यार वेट करता हूँ, मैसेज कर दिया करो, और कॉमेंट करके पूछ भी सकते हो कि भाई कॉमेंट में मैं रिप्लाई भी देता हूँ। ओके एंड नेक्स्ट कम्युनिटी पोस्ट जल्दी आने वाला है, उस टॉपिक पे भी बता देना कि आप लोगों को ट्यूटोरियल चाहिए या फिर नहीं, आप लोग मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हो, इसके लिए आई एम रियली मतलब बहुत ही दिल से शुक्रिया, और आप लोग ऐसे ही अपना ख्याल रखना, जब तक के लिए बाय बाय।